श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ उस दिन आ नहीं पाए थे, वो अभी अभी वापस आए थे श्री रतनपुरी आश्रम से। तो उन्होंने कहा हमारा एक थोड़ा सा मिस हो गया, तो हम जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे जो पिछली क्लास में हुआ, और उसके बाद आज हम श्री खड़ोकली की तरफ चलेंगे। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम चलते हैं भुलवनी, उनको रिवाइज करते हैं। तो ये देखिए। हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं भुलवनी की लोकेशन कहाँ पर है। दूसरी भूमि में भूल भुलवनी के मंदिर, उसको काल माया की भुलवनी समझने की भूल हम कदापि नहीं करेंगे। ये तो धनी के दिल की लीला है, जहाँ रूहें एक दूसरे को और राज श्यामा जी को ढूंढती हैं तो अति आनंद प्राप्त होता है। तो भूल भुलवनी, ये देखिए, ये लाल चबूतरा, लाल चबूतरा हम अभी समझेंगे, रंग महल की उत्तर की दिशा में। रंग महल से जब हम बाहर निकलेंगे तो उत्तर की दिशा में, ये देखिए, हमने समझा था ना कि यहाँ पर 1500 मंदिर हर दिशा में आए हुए हैं, यानी 1500 मंदिर, 1500 मंदिर हर दिशा में हमें मिलते हैं। तो जब हम 1200 यानी कि 1200 मंदिर ये वायव्य कोण से अगिन ईशान कोण की तरफ, वायव्य से ईशान की तरफ चलते हैं, तो 1200 मंदिर चलने के बाद जो यहाँ पर जगह आती है ना, इधर इधर सिर्फ 300 और बच जाती है। 300 में से 190 यदि आप इधर से भी छोड़ दें ईशान कोण की तरफ से, तो बीच में 110 मंदिर हमारे पास बचते हैं। तो उन 110 मंदिरों के बिल्कुल सामने यदि आप चार चौरस हवेलियों के चार फिरावे, ये देखिए पहला फिरावा, ये चार चौरस हवेलियां, चार लंबाई में और चार चौड़ाई में, पहले फिरावे की ही चार हवेलियां यदि हम ले लें, ये देखिए, तो 4 × 4 16 हवेलियों की। उस दिन गलती से मेरे मुख से मंदिर भी निकल गया था एक बार, तो इसको हवेलियां समझिएगा। 4 × 4 यानी 16 हवेलियां हमने इसमें इसमें प्रयोग हुई हैं ये बनाने में। तो 16 हवेलियों की जगह में भूल भुलवनी के मंदिर। तो इसकी लोकेशन हम कुछ और जगह से देखेंगे क्विकली, और उसके बाद लोकेशन देखने के बाद फिर हम शोभा को भी समझेंगे कि किस प्रकार से ये मंदिर आए हैं। ये देखिए, यहाँ भी बहुत ही प्यारा महाराज जी के द्वारा बना हुआ नक्शा भी। तो ये हमारी, इधर हमारी उत्तर की दिशा, तो उत्तर की दिशा में, हाँ जी, ये देखिए, ये उत्तर की दिशा, यहाँ से 1200 मंदिर आप छोड़ दीजिए, 110 मंदिर उसके अगले, तो नेचुरली 190 ही बचे होंगे क्योंकि टोटल 1500 होते हैं, वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 110 मंदिर की जगह में सपोज आप यहाँ पर अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर चार चौरस हवेलियां, और चार चौरस हवेलियां ये वाली मैं आपको एक बार ट्राई करती हूँ यहाँ पर। वैसे प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बनाई हुई है, तो मैं आपको उन्हीं मॉडल्स में से ही दिखाती हूँ कि हम लोगों को वो करनी नहीं पड़ेगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर,
बहुत ही प्यारा, समझने में बहुत इजी है ये। ये देखिए इधर लाल चबूतरे के आप सोचिए 1200 छोड़ दिए और इधर 190 रह गए हैं, तो ये जो चार चार हवेलियां आपको दिख रही है ना, ऐसी वाली चार चौरस हवेलियां लंबाई में भी और चौड़ाई में भी इनकी जगह यहाँ पर लेकर भूल भुलवनी के अति सुंदर मंदिर यहाँ पर शोभायमान जो दर्पण के बने हुए हैं। अभी हम जल्दी से इनकी लोकेशन हमने देखी बहुत ही प्यारी, और अब हम यहाँ पर ये जरूर देखना चाहेंगे, एक और मैं आपको नक्शा दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर साथ ने भेजा है, ये देखिए यहाँ भी ये यहाँ पे रंग महल है, इधर से लाल चबूतरा आप छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये ताड़वन, ताड़वन के वृक्ष जहाँ मिलते हैं ना, वहां पर आपको यहाँ ये आपको छोटी सी ना, मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, यहाँ यहाँ आपको खड़ोकली छोटी सी दिखाई देगी, उसके अंदर की तरफ, यहाँ खड़ोकली नहीं, यहाँ पे तो चहे बच्चे हैं, इनके अंदर की तरफ आपको दूसरी भौम में भूल भुलवनी के मंदिर मिलते हैं। तो वहां हम जा कैसे सकते हैं, एक तो यही रास्ता है कि आप इस छज्जे पर आ जाएं, सीढ़ियां चढ़कर आ जाएं छज्जे पर, या बाहर से भी आप बहुत जगह से उन छज्जे पर आ सकते हैं जिनके बारे में हम बाद में भी समझेंगे। तो दूसरी भूम के इस छज्जे पर आकर उसके बाद ये पहली हार मंदिरों की पार करेंगे, उसके बाद तो हमें पता ही है अंदर फिर क्या आता है, त्रिपोलिया आता है, फिर दूसरी हार मंदिरों की पार करेंगे, और यहाँ पर बहुत अच्छे से ये दिखाया हुआ है, ये देखिए ये पहली हार मंदिरों की पार करेंगे, उसके बाद अंदर एक त्रिपोलिया आएगा, दो थंबों की हार, तीन गलियां, फिर दूसरी हार मंदिरों की पार करेंगे, फिर एक त्रिपोलिया मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर हमें चार चौरस 16 हवेलियां चार चौरस लंबाई की तरफ और चौड़ाई की तरफ, यहाँ पर हमें भूल भुलवनी के मंदिरों की शोभा दिखाई देगी। तो हम यहां से भी अंदर की तरफ जा सकते हैं, पर यदि आप ऑलरेडी अंदर ही हैं तो फिर कैसे जाएंगे, ये देखिए चांदनी चौक से दूसरी, हम दूसरी तरह से कैसे अंदर जा सकते हैं, चांदनी चौक से आपने धाम दरवाजा 100 सीढ़ियां पार करके, धाम चौक, धाम दरवाजे का मंदिर पार करके 28 स्तंभ का चौक पार किया, उसके बाद हमें पहली चौरस हवेली में, याद है ना आपको रसोई की हवेली में अति सुंदर हमें वो दिखाई दे देते हैं सीढ़ियों का मंदिर, तो वहां पर आप सीढ़ियों के मंदिर से सीढ़ियां चढ़ जाइए, दूसरी भूम में पहुंच जाइए। तो उसके बाद मैं आपको एक और दिखाती हूँ, यहाँ पर सीढ़ियों का मंदिर, हाँ जी ये देखिए, तो यहाँ पर आप सीढ़ियों के मंदिर में आ गए, सीढ़ियों के मंदिर से आप सीढ़ियां चढ़ जाइए और दूसरी भूम में पहुंच जाइए। अब दूसरी भूम में आप कहाँ पहुंचेंगे, ये देखिए यहीं पर आप निकले, सीढ़ियों के मंदिर से निकले और आपने यही वाली गली, ये देखिए आप पहली त्रिपोलिया की पहली गली में निकलेंगे और उसके बाद पूर्व की तरफ मुख करके आप यही वाला त्रिपोलिया ले लीजिए, सीधे चलते जाइए पूर्व के आधे मंदिर, क्योंकि पूर्व का हास है ना, ये आधे मंदिर इधर होंगे, पूर्व के आधे मंदिर दक्षिण दिशा में होंगे, तो उत्तर वाले पूर्व के सारे मंदिर पे कितने आएंगे सुंदर साथ जी, गिनती नहीं करनी हमने, पर हाफ हाफ जैसे 1500 मंदिर होते हैं ना एक हास के, तो 750 इस तरफ होंगे, 750 इस तरफ होंगे, तो हम हाफ मंदिर 750 पूरे इधर चलेंगे, उसके बाद 190 मंदिर जो हमारे बचे हुए थे यहाँ तक 750 हो जाएंगे, यहाँ तक एक दिशा के मंदिर यहाँ तक काउंट होते हैं, उसके बाद 190 मंदिर और चलेंगे, सीधे ही चलते जाना है, मंदिर गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गिनिए भी मत, यहाँ पे त्रिपोलिया लीजिए, सीधे चलते जाइए और यहाँ आकर आपको भुलवनी के शीशों की, भुलवनी के दर्पणों की जो चमक होगी वो अपने आप ही आपको भुलवनी के मंदिरों की तरफ यहाँ पर खींच लेगी, उसकी तरफ आप अपने आप खींचते जाओगे, मंदिर गिनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए अब हम देखते हैं भुलवनी के मंदिर आखिर लगते कैसे हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे नक्शे हमारे पास बनकर आए हैं, नई नई बुक्स आ रही हैं राज्य की मेहर से, ये देखिए, ओ ये तो एक मिनट, हां जी ये देखिए भुलवनी के मंदिर
कितने प्यारे वो दिखाई देते हैं। इधर आपको निशान से भी पता लग रहा होगा कि ये चार चौरस हवेलियों के बीच में इन्होंने ऐसे जगह ली हुई है और आगे गोल का फिरावा शुरू हो जाता है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि चार थे यहाँ पर, चार चौरस इधर से, चार इधर से, तो चार चौरस लंबाई में, चार चौड़ाई में, तो 16 हवेलियों की जगह इन्होंने ली। तो एक्चुअली ना महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि 16 हवेलियों में जनरली इतने मंदिर बनते नहीं है, 101 मंदिर बनते हैं। तो यदि आप इसको देखें ना, 110 मंदिर लंबा, 110 मंदिर चौड़े हैं ये भुलवनी के मंदिर। 110 को यदि आप 110 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो कितना होता है, 12,100 मंदिर। सखियों की संख्या को भी शुमार में लाने के लिए 12,000 की संख्या बताई गई है, तो उससे आप एक हिंट ले सकते हैं कि 12,000 तो मंदिर, 12,100 बनते हैं ना, तो 12,000 तो ये भुलवन के मंदिर हो जाएंगे और अंदर 100 यानी 100 सौ मंदिर का ये चबूतरा बनेगा। और ये चबूतरा भी बहुत विशेष है। पहले तो हम इन मंदिरों को देखते हैं, देखिए दर्पण की तरह चमकते हुए, जहां एक सखी जाए, राजी जाए, तो एक के ये देखिए हजार हजार, बारह बारह हजार, वहां कितने कितने लाखों वहां प्रतिबिंब बनते हुए, यहाँ भी राजी, यहाँ भी राजी, यहाँ भी राजी, इधर भी राजी। तो सखियां ढूंढते ढूंढते हंसती जाती हैं, खेलती जाती हैं, कभी कभी तो एक दूसरी के ही हाथ में आ जाती हैं। असंख्य प्रतिबिंब यहाँ बनते हुए, बहुत ही प्यारी लीला वहां पर होती है। तो ये इन मंदिरों में पता है चार दरवाजे आए हैं, क्योंकि ये सारे मंदिर, ये देखिए यहाँ से पता लगता है ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो चारों तरफ इनके दरवाजे आएंगे। पर वो महाराज जी बड़े प्यार से लिखते हैं कि यदि आप 12,000 मंदिरों के चार दरवाजे देखें, वाणी में भी ये लिखा है, तो लगेगा 48,000 दरवाजे आ गए वहां पर। पर एक्चुअली क्योंकि वो उस मंदिर में भी काउंट होगा, इधर भी, और उत्तर में भी, दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, तो एक्चुअली वो 24,000 दरवाजे ही रह जाते हैं, क्योंकि हाफ हाफ हर मंदिर में काउंट होता है। तो हमें दरवाजे काउंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो बस वो दरवाजे खोल खोल के उनको खेलना है। तो ये देखिए, ये आसपास भुलवनी के मंदिर, और ये है जो बीच के चबूतरे की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, तो श्री मुखवाणी में बहुत प्यारा महामती जी ने लिखा है कि वहां पर कोई बंधन नहीं होता कि आप खेल कर आए हैं, उसके बाद खड़ोकली में अभी हम चलेंगे, तो खड़ोकली है एक स्विमिंग पूल जैसा, पानी से, जल से भरा हुआ। तो ऐसा वहां पर बंधन नहीं है कि आप वहां खेल कर आएंगे, उसके बाद यहाँ चबूतरे पर बैठकर सिंगार करेंगे। आप पहले भुलवन में खेल कर उसके बाद भी झीलना करने जा सकते हैं, या झीलना करके भी भुलवनी के मंदिर में खेल सकते हैं, उसके बाद चबूतरे पे श्रृंगार कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बंधन नहीं, आपकी जब इच्छा हो आप तभी वहां वही लीला कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सुंदर चबूतरा, जैसे कि सारे चबूतरे होते हैं उन पर कालीन बिछे हुए, बहुत सुंदर सुंदर गिलम, अति कोमल, अति प्यारी सिंहासन और कुर्सियां आपको अति सुंदर दिखाई देती हुई। और आसपास ये चबूतरे में बड़ी एक विशेष बात आपको बताई थी कि ये केवल एक पक्ति ऊंचा है, एक पग ऊंचा है ये चबूतरा, ताकि सखियां यहां से उतरे भुलवन के मंदिर में फटाफट भाग जाएं। और क्योंकि ये केवल एक ही पग ऊंचा है, तो इस पर कठेड़ा नहीं आया हुआ है, तो इस पर केवल थंबों की हारें आई हुई हैं। और ये चबूतरा, आपको वो अभी बताया कि 100 मंदिर का इस चबूतरे ने जगह ली है, यानी ये चबूतरा 10 मंदिर का लंबा, और ये चबूतरे यानी चौक की जगह पूरी 10x10 की है, उसमें से ये आसपास ये जो रॉन्स घूम रही है ना लाइट से कलर में, लाइट ग्रीन कलर में, वो एक मंदिर की पूरी परिक्रमा रॉन्स आप समझ लीजिए इस चबूतरे के आसपास। तो ये चबूतरा जो है वो 8x8 का रह जाता है, तो 8-8 ही थंब हर दिशा में भी आपको इसके दिखाई देते हैं। और इस पर कठेड़ा नहीं आया है, केवल ये थंबों की अति सुंदर शोभा, और उसके ऊपर चंद्रवा लगा हुआ,
जब वहां पर आप बैठकर स्वयं भी श्रृंगार करते हैं, राजी श्यामा जी सब सब यहाँ पर श्रृंगार करते हैं, और कई बार तो हमारी जो बाहरी मंदिरों की दो हारे हैं ना, जिनको पार करके हम खड़ोकली से आते हैं, वो भी श्रृंगार के ही मंदिर हैं। कई बार खड़ोकली से आते हुए रूहें वहां भी बैठकर अति सुंदर श्रृंगार करती हैं। तो जब मन चाहे वे, मन चाहा वहां वेग है और मन चाही वहां पर लीला है। आइए हम इसको एक और इससे देखते हैं, बहुत ही प्यारी। थैंक यू वेरी मच किरण दीदी, जब भी उनको किरण परनामी जी जयपुर, उनकी ये एक बहुत विशेष सेवा और बात है कि एक मिनट में यदि उनको मैं बोलूं कि मेरे पास दीदी ये नहीं है, तो शायद कुछ सेकंड भी नहीं बीते होंगे कि वो सारा साजो सामान आपके पास मन वेगी गति से वो पहुंचा देती हैं। और मीनू दीदी तो वैसे ही पहले ही उन्होंने सब कुछ भेज रखा है, और उसके बाद प्रियंका जी, ये सब मटेरियल आप सब सुंदर साथ, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसी एक बिगिनर सुंदर साथ के लिए आपने सारा ये साजो सामान उपलब्ध कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर एक शोभा आपको यहाँ पर, ये देखिए, ये है भुलवनी के मंदिर, आसपास आपको पूरे भुलवनी के मंदिर दिखाई देते हुए, ये है वो जिस चौक की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल बीच में ये चौक है, ये है 10x10 यानी के पूरा 100 मंदिर का ये चौक, आसपास ये रौंस घूमी हुई एक मंदिर की, और अंदर 64 मंदिर का चबूतरा, यानी 8 मंदिर लंबा और 8 मंदिर चौड़ा ये चबूतरा, अति सुंदर। और ये एक विशेष शोभा यहाँ पर दिखाई गई है, ये देखिए, ये जो आपको ये दिखाई दे रही है ना, ये लाइंस चारों दिशाओं में ये लाइनें, ये बहुत ही विशेष शोभा है। इधर ना खड़ोकली अभी हम करेंगे, तो जब हम खड़ोकली से यहाँ खेल कर आते हैं ना सुंदर साथ जी, अब ये मंदिरों के, तो ये तो दर्पण के मंदिर हैं सारे, इनके तो दरवाजे आपस में जुड़े हुए होते हैं, पर जब अर्श के वो बादशाह खड़ोकली में खेल कर पूरे मिलावे के संग, रूहों के मिलावे के संग जब आते हैं, तो ये सारे द्वार अपने आप खुल जाते हैं। कितने प्यारे दर्पण के वो द्वार खुले हुए लगते होंगे कि चार चार, ये देखिए, 1, 2, 3 और 4, ये सारे चार चार मंदिरों के द्वार पूरे खुले होकर मेहराबी पूरा, मतलब द्वार नहीं, पूरा मंदिर की जगह वहां खुल जाती है, ताकि पूरा मिलावा इकट्ठा एक के बाद एक, ये देखिए, कोई इससे कोई इधर से, सारे इकट्ठे यहाँ पर हम चबूतरे के ऊपर एक दूसरे का वहां पकड़कर आ सकते हैं। और सखियों के, राज श्यामा जी के वस्त्रों से जो झलकार, इतने रंग बिरंगे निकलते हैं, तो दर्पणों में से जब वो झलकार सखियों के मुखार बिंद पर पड़ती है, और सखियों के वस्त्रों श्रृंगारों की झलकार जब उन दर्पण के मंदिरों पर पड़ती है, तो वो आपस में जंग करती हुई प्रतीत होती है। बहुत प्यारा राजी ने श्री मुखवाणी में लिखा कि वो जो झलकारे है ना, वहां पर एक दूसरे को काटती नहीं है, एक से बढ़कर एक होती है, तो ऐसे लगता है, पता ही नहीं लगता कि इनकी झलकार ज्यादा है या उनकी झलकार ज्यादा है, इतना प्यारा वहां पर आनंद आता है। तो ये रास्ते हमें इसी तरह से चारों तरफ, ये देखिए, ये चारों तरफ ये ऐसी ही शोभा बन जाती है। तो आप इधर से आइए, इधर जाइए, उधर जाइए, कितना प्यारा ये शोभा दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो अति सुंदर ये मंदिर। और इसके बाद ये देखिए, हाँ जी, ये भी आप भुलवनी के मंदिर देखते जाइए, ये देखिए, हम चौक में जो रौंस आई थी ना सुंदर साथ जी, ये अकेली रौंस दिखाई हुई है यहाँ पर, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो कई बार ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये 64 और 36 कैसे है, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके कोशिश करती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये है 8 मंदिर और ये बाहर है 10 मंदिर, तो ये तो हुए, अंदर तो हुए 8 मंदिर, और इधर भी 8, इधर भी 8, कोने वाले मंदिर छोड़ रही हूं मैं, बस इधर भी 8, कोने वाला छोड़ दीजिए, तो ये 8, 8, 8 और 8 हो गए 32, और ये कोने वाले ऐड कर दीजिए 33,
34, 35 और 36 मंदिर की ये रौंस और उसके ऊपर ये चबूतरा, 64 ही उस पर वो मंदिर, 64 मंदिर की जगह लिए हुए, 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा अति सुंदर, केवल एक पग ऊपर और उस पर 9 कठेड़ा। हाँ जी, ये देखिए ये बीच के चबूतरे की अति सुंदर शोभा और ये अंदर का चबूतरा जो ग्रीन कलर में आया। 8-8 थंब आपको हर दिशा में दिखाई देंगे, 8-8 थंब अति सुंदर। और इसमें ना दरवाजे बहुत अच्छे दिखाए हुए थे, ये देखिए इसमें 4-4 दरवाजे हर मंदिर में। ये देखिए ये एक मंदिर है ना जैसे, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 और ये चारों दरवाजे दोनों तरफ, ये दरवाजा भी दो मंदिरों में जवाब देता है, ये भी दोनों, क्योंकि सारे जुड़े हुए मंदिर हैं तो इसीलिए हम आधा आधा दरवाजा ही लेते हैं। हालांकि हम बस इतना ही सोचें कि चारों तरफ जुड़े हुए मंदिर और चारों तरफ उनके द्वार आए हैं। ये देखिए चबूतरे की सुंदर शोभा और ये देखिए प्रतिबिंब बनते हुए अति सुंदर, अति सुंदर। आप सोचकर देखिए कि हम इन दर्पण के मंदिरों में खड़े हैं तो कितना कितना आनंद आता होगा सुंदर साथ जी। और ये देखिए जो खुले हुए, जो बाहर की तरफ हमें वो रास्ते बने हुए दिखाई देते हैं, तो बहुत सुंदर ये शोभा। और एक बात और हमने उस दिन ये कवर की थी, बहुत ही प्यारी वो ये थी कि ये जो मंदिर है ना सुंदर साहब जी, इनके आसपास भुलवनी के मंदिरों के आसपास ये त्रिपोलिया तो आया है, ये देखिए ये त्रिपोलिया हमें दिखाई दे रहा है, पर इन मंदिरों यानी जो हवेलियां यहाँ पर, इनके बाहर वो मेन गेट जो इन हवेलियों के बाहर आपको दिख रहे हैं ना, ये चबूतरे भी और मेन दरवाजे भी ऐसे, तो इधर नहीं आए हुए। देखो इन मंदिरों के बाहर, इनमें बड़ी विशेष बात है कि इन मंदिर के नहीं आए हुए, इन हवेलियों के, पर इन हवेलियों के आए हुए हैं। तो यहाँ उन 24 मेहराबों की जो शोभा है ना वो नहीं दिखाई देगी, केवल इनकी मेहराबों की आपको यहाँ पर शोभा दिखाई देगी। तो ये बहुत ही विशेष बात मुझे लगी। तो आइए अब हम चलते हैं खड़ोकली की सुंदर शोभा की तरफ। तो अति सुंदर, सुंदर साथ ने बड़ी प्यारी वो शोभा बनाई है खड़ोकली की। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि खड़ोकली की लोकेशन कहाँ पर आई है, क्योंकि लोकेशन समझनी बहुत जरूरी है और लोकेशन हमें यहाँ से बड़ी अच्छी समझ में आएगी। अभी हमने भुलवनी के मंदिर देखे थे ना सुंदर साहब जी, यहाँ पे 1200 मंदिर हम ऊपर से आए, 190 इधर से छोड़ दिए, तो बीच के जो 110 मंदिर है ना, यहाँ पर भुलवनी के मंदिर है 110। देखिए अब यदि हम 110 का वो देखें, तो सपोज ये 110 मंदिर यहाँ पर लिए, 110 में से ना बिल्कुल इनके सामने, बिल्कुल इनके सामने बाहर की तरफ यहाँ पर 30 मंदिर में, 30 मंदिर की लंबी और 30 मंदिर की चौड़ी बिल्कुल यहाँ आपको खड़ोकली दिखाई देगी। और आसपास कितने छूट जाएंगे, क्योंकि ये 110 मंदिर थे ना, 30 तो यहाँ हो गए, बाकी बचे 80, 80 में से 40 इधर हो गए और 40 इधर छूट गए। वेरी इजी, देखिए 40 इधर छूट गए, मतलब कि पश्चिम की तरफ और 40 पूर्व की तरफ छोड़ दीजिए, तो ये बीच वाले जो 30 मंदिर है ना उनके बिल्कुल सामने ये हमारी बहुत ही सुंदर पर्सनल स्विमिंग पूल हमारा, कि हम रंग महल, और ये देखिए ये जुड़ी हुई है, आप इन्हीं मंदिरों से क्रॉस करके यहाँ जा सकते हैं। तो आप यदि यहाँ पे खेल रहे हैं ना, तो ये त्रिपोलिया पार कीजिए, उसके बाद एक आप गिनिए जरा इसको, तो आपको बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो आपने ये त्रिपोलिया पार किया, उसके बाद आपने एक मंदिरों की हार पार की, फिर से त्रिपोलिया पार किया, फिर से एक मंदिरों की हार पार की। और आपको याद है ना सुंदर साहब जी कि दूसरी जो हमारी भूम है वहां पर ये जो परिक्रमा रौंस है ना, ये मतलब छज्जा बोलते हैं ऊपर जाके, ये एक मंदिर का चौड़ा नहीं आया था, यहाँ पर 33 हाथ का वो चौड़ा आया है। और वहां एक सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है, क्योंकि ये वाले जो मंदिर हैं वो एक सीढ़ी, मतलब ये पूरी भूम एक सीढ़ी ऊपर है। तो हम एक सीढ़ी, ये जरूर याद रखिए, एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो इस छज्जे पर आ जाएंगे, और छज्जे के बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल शोभा है, कैसे उस खड़ोकली से उसको जोड़ा गया पुल डाल के, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो हम डायरेक्ट
खड़ोकली में पहुंच के उसमें छलांग लगा सकते हैं। तो लोकेशन आई होप सुंदर साथ को समझ में आई। तो ये हम छज्जे से डायरेक्ट भी जा सकते थे। ये देखिए इधर हम छज्जे से ही भुलवनी के अंदर चले गए थे ना, तो अब अंदर जाने की बजाय हम खड़ोकली में जा सकते थे। हम दो तीन तरह से इसकी लोकेशन देखेंगे, आप घबराइएगा मत बिल्कुल भी। यदि नहीं समझ आएगा तो इसको रिपीट भी करेंगे, वैसे ये बहुत ईजी है, मुझे पता है मेरे सुंदर साथ को समझ में आ जाएगा। तो हम इनको देखते हैं एक मिनट। हाँ जी, ये देखिए प्रियंका जी के बनाए हुए इस नक्शे में ये भुलवनी तो हमने देखी, कितने प्यारी उसकी लोकेशन, उसके बिल्कुल सामने अब आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। ये देखिए तो इनके बीच वाले जो मंदिर है ना, ये 30 मंदिर के सामने, ये था 110, तो 40 इधर बचे और 40 इधर बच गए, सेम बाहर भी 40 इधर बचे 40 इधर भी बच गए, है ना। तो ये 30 मंदिर के बिल्कुल सामने, 30 मंदिर की लंबी, 30 मंदिर की ही चौड़ी, स्क्वायर शेप्ड हमारी खड़ोकली अति सुंदर यहाँ पर दिखाई देगी। तो भुलवनी में खेलकर, भुलवनी के मंदिरों में खेलकर हम ये त्रिपोलिया और मंदिरों की हारे पार करके एक सीढ़ी यहाँ से नीचे उतरते हैं और थोड़ा सा रौस और है दो मंदिर की, तो हम फटाफट खड़ोकली में जाकर झीलना करते हैं और उसके आसपास हम यहाँ घूम भी सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी अभी, हम ये भी देखेंगे शोभा की, खड़ोकली की शोभा कैसी आई है। तो सबसे पहले हम फटाफट प्यारी प्यारी सी लोकेशन देखेंगे ताकि सुंदर साथ के मन में बस जाए कि हमारी खड़ोकली आखिर है कहाँ। तो एक बहुत ही प्यारा मेरे पास मॉडल भी है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी अति सुंदर। ये देखिए ये जो रंग महल आपको दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ जी, रंग महल ये तो है हमारी 100 सीढ़ियां और धाम दरवाजा, है ना, और ये है हमारी दूसरी भूम, ये पहली भूम। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए ये है पहली भूम और ये है दूसरी भूम, ठीक है। तो ये दूसरी भूम के उधर लाल चबूतरे से आप आएंगे ना, तो ये देखिए ये जो चमक रहा है ना, तरण ताल बोलते हैं इसको वाणी में, तो ये खड़ोकली की सुंदर शोभा। इसके डायरेक्ट अंदर आपको जाकर वहां आपको भूल भुलवनी के मंदिर भी मिल जाएंगे। तो ये खड़ोकली शोभित यहाँ पर होती हुई, यदि आप ये छज्जे से जाना चाहें ना, यहाँ के छज्जे से निकल के जाना चाहें, तो आपको यहाँ पर खड़ोकली बाहर ही बाहर मिल जाएगी अति सुंदर शोभा। तो इससे लोकेशन आपके मन में थोड़ी क्लियर हुई होगी। और अब हाँ जी, एक और बहुत ही प्यारे सुंदर साथ ने मॉडल्स कुछ भेजे हैं, वो मैं आपको खड़ोकली के ही वो दिखाना चाहती हूँ। अब आप पते किस दिशा में आ जाए, ये देखिए अब हम उत्तर दिशा में खड़े हुए हैं, ये धाम की सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हुई 100 सीढ़ियां हमें, ये पूर्व की दिशा है, तो ये आ गए हम उत्तर की दिशा में। ये आपने देखा ये लाल चबूतरा यहाँ पर समाप्त, यहाँ पे लाल चबूतरा 1200 मंदिर लिए हुए, उसके बाद हम 110 मंदिर छोड़ते थे ना भुलवनी के लिए, अब 40 और छोड़ दीजिए क्योंकि ये 110 मंदिर की है नहीं, तो ये ताड़वन के दूसरे ही बगीचे में इनको कहा जाता है। तो खड़ोकली कुछ ऐसी दिखाई देती है, आप पहले मोटे तौर पे देखिए कि खड़ोकली की शोभा दिखाई कैसे देती है। देखिए आपको कितनी ऊंची दिखाई दे रही है खड़ोकली, ये एक चबूतरा तो रंग महल का ही उठा होता है, तो वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम एक भौम भर का ऊंचा तो चबूतरा है यहाँ पे। उसके बाद ये चबूतरे के आसपास यहाँ पर ये देखिए ये एक मंदिर की यहाँ पर रौंस भी मिलती है हमें, और उसके बाद ये दूसरी भौम खड़ोकली की हमें दिखाई देती है जिसके आसपास मंदिर भी बने हुए हैं और बीच में ताल की शोभा है। तो ये ताल पता है कितना गहरा है सुंदर साहब जी, एक भूम तो इसकी ये हो गई, एक भूम इसकी ये हो गई, है ना, एक भूम दो भूम और एक भूम ये जमीन, धाम की जमीन बोलते हैं इसको, धाम की जमीन के अंदर भी एक भूम और है। जल तो हमेशा जमीन के अंदर होता है ना, ऊपर ऊपर थोड़ी होता है, तो एक भूम जमीन के अंदर, एक भूम ये वाली गहराई और एक भूम ये, तो ये टोटल तीन भूम गहरा हो गया। आपको समझ में आई ना सुंदर साहब जी, एक भूम अंदर, दो और तीन, ये तो ये जल के दर्शन हमें जरूर यहाँ पर हो रहे हैं, पर ये गहराई इनकी तीन भूम नीचे इस जल की।
तो यहाँ पर भी सुंदर कठेड़ा लगा हुआ होगा, डेफिनेटली यहाँ पर भी कठेड़ा लगा हुआ होगा। और ये देखिए ये दूसरी भौं, रफली आप ऐसे समझ सकते हैं, हालांकि यहाँ पर छज्जा थोड़ा सा छोटा आएगा, फिर खड़ोकली से इसका मिलान होगा, फिर छज्जा 33 मंदिर का ही छोटा हो जाएगा। बस यदि वो मन में नहीं भी उतना बसता तो कोई बात नहीं, खड़ोकली आने का रास्ता आपको जरूर पता होना चाहिए। और अभी हम चलते हैं प्रॉपर जो खड़ोकली की शोभा आई है ना, पहले हम उसको समझते हैं कि वो शोभा आखिर आई कैसी है। पहले तो हम देखते हैं कि खड़ोकली के दर्शन करते हैं कि वो कैसी दिखती हैं। ये देखिए श्री खड़ोकली के दर्शन कीजिए, हमारी दूसरी भौं से लगती हुई है। तो ये रंग महल के बाहर, पर ये काउंट रंग महल के अंदर ही क्यों है, क्योंकि हम भुलवनी से खेल कर डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं, ये जुड़ी हुई है अंदर से। तो ये हमें दूसरी भौं की, ये पहले भौं के मंदिर और ये दूसरी भौं के हमें यहाँ पर मंदिरों की शोभा दिखाई देती हुई। सेम वैसे ही मंदिर सुंदर साथ जी, बिल्कुल भी नहीं घबराना, अपने अपने मन में बोलिए। वो मंदिर की बाहर की शोभा, बाहर की दीवार की शोभा हमने बहुत सुंदर से समझी थी ना, और सबको समझ भी आई थी। तो उसमें कितने द्वार, कितने जाली द्वार और कितने झरोखे आए थे, वो आई होप आप सबको याद होगा। तो दो दरवाजे, 6 जाली द्वार और 1 झरोखे की शोभा, बिल्कुल वैसे की वैसे ही ये प्रथम भौम के मंदिरों में भी और दूसरी भौम के मंदिरों में भी। और ये देखिए, ये जो हमारी प्रथम भौम में 100 हाथ की परिक्रमा रौंस आ रही थी ना सुंदर साथ जी, ये देखिए ये परिक्रमा रौंस यहां से अंदर तो जा ही रही है, ये अंदर जा रही है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अति सुंदर शोभा उसकी। पर अभी आप ये समझिए, ये परिक्रमा रौंस यहां से घूम गई। तो आप देखिए कौन सी दिशा में घूमी, हम इधर से आ रहे हैं ना, पूर्व दिशा से आ रहे हैं, और ये उत्तर की तरफ घूमती हुई, और फिर उत्तर से घूम के फिर से पश्चिम की तरफ जाती हुई, वैसी की वैसी ही परिक्रमा रौंस, और फिर ये उधर से दक्षिण की तरफ घूमेंगी और फिर पश्चिम की तरफ चली जाएंगी। वैसे तो सीधी जाती थी, अब खड़ोकली की तरफ से घूम के ये परिक्रमा रौंस यूं जाती हुई, और वो परिक्रमा रौंस सीधी भी जाएगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पहली भौम के मंदिर, और ये वाले खड़ोकली जो है ना, इसकी जो प्रॉपर मेन शोभा है कि सबसे पहले ये एक भौम का चबूतरा उठा, जिस प्रकार रंग महल का चबूतरा है ना, इसने रंग महल के चबूतरे से ही पूरा मिलान किया हुआ है। तो ये एक भौम का चबूतरा उठा, तो आप सिस्टमेटिकली जैसे कि महाराज जी अपनी वृत्त में लिखते हैं ना, चबूतरा उठेगा तो उसके ऊपर आप जाएंगे कैसे, सबसे पहले तो आपको सीढ़ियां मिलेंगी जाने के लिए। तो एक भौम ऊंची होंगी क्योंकि चबूतरा एक भौम ऊंचा है, तो सीढ़ियां भी एक भौम ऊंची होंगी, कमर भर ऊंची नहीं होंगी। तो जा इसको बोलते हैं चांदे द्वारा सीढ़ियां चढ़नी। अब ये चांदा क्या चीज होती है, एक तो होती है सीधी सीढ़ी, जैसे हम 100 सीढ़ियां चढ़े थे ना धाम, अपनी धाम की सीढ़ियां, धाम दरवाजे तक जाने के लिए चांदनी चौक से जो सीढ़ियां चढ़ती हैं वो होती हैं सीधी सीढ़ियां। इन सीढ़ियों को, इनको बोलते हैं चांदे द्वारा सीढ़ियां। तो इसको महाराज जी इसका वर्णन बड़ा सुंदर करते हैं कि पहले एक चबूतरा उठा दीजिए, इसको वो बोलते हैं चौक, ये चबूतरा उठ गया, उसके दाएं और बाएं सीढ़ियां नीचे उतार दीजिए, यानी सीधी जाने की बजाय दाएं बाएं। अब इसके इस तरफ तो दीवार आ रही है तो नेचुरली दूसरी तरफ कठेड़ा आ जाएगा, एक तरफ दीवार आएगी तो दूसरी तरफ तो कठेड़ा आएगा क्योंकि एक भौम ऊंची है। इसके भी देखिए इस तरफ दीवार आ रही है तो दूसरी तरफ जो कुली है इधर वन होंगे, क्योंकि हम बाद में समझेंगे उनको भी, तो यहाँ कठेड़ा आ जाएगा, इधर भी कठेड़ा, तो इधर से लेके पूरा हमें यहाँ पर कठेड़े की शोभा मिलती है। सखियां वहां गिरती नहीं है, गिरती भी हैं तो हंसी ठिठोली में एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं, पर फिर भी सुंदरता के लिए और यहाँ की लीला को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की मिसाल देकर वहां सुंदर सुंदर नगों से जड़ित यहाँ कठेड़े भी लगाए हुए। तो आइए अब हम जब यहाँ से ऊपर जाते हैं तो हम इस रौंस पर पहुंच जाते हैं जो कि हमारी धाम रौंस से ही मिली हुई ये रौंस है। अब खड़ोकली ये देखिए, एक तो नीचे हो गया जल, एक भूम नीचे, एक भूम हमने ये बना दी, ठीक
ठीक है। ये जो चबूतरा था ना सुंदर साथ जी, ये बना था दो मंदिर का, तो एक मंदिर तो यहां से ले लिया, ये रौंस बन गई। अब अगला जो एक मंदिर है ना, अगला जो एक मंदिर है, मैं आपको एक बार बताना भी चाहूंगी। हां जी, तो ये देखिए, सपोज हमने एक चबूतरा बनाया, मैं यहीं पर आपको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूं। ये हमने एक चबूतरा बनाया था, वो बनाया था दो मंदिर का चबूतरा। अब दो मंदिर सपोज मैं यहाँ पे काट देती हूँ, ये एक मंदिर और दो मंदिर का हमने, अब एक एक मंदिर पे तो हमने क्या किया, ये देखिए, ये यहां तो हमने रौंस बना दी पूरी, ये जो बनी हुई है यहाँ पे, जो आपको रौंस दिखाई दे रही है ना, ये तो हमने रौंस बना दी यहाँ पे। अब ये जो एक यहाँ पर जल है, यहाँ पे जल है, तो ये जो बचा है ना यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे मंदिर बना दिए, ये वाली रौंस पे मंदिर बना दिए। तो ये कैसे बना, ये देखिए, ये जो चबूतरा बना था दो मंदिर का था, एक मंदिर पे तो बन गई रौंस, जो कि धाम रौंस से मिलान हो गया, और जो अगला मंदिर है ना, एक मंदिर की और रौंस, उसके ऊपर एक बूम और खड़ी कर दी। वो क्या खड़ा किया, ये देखिए, ये सुंदर मंदिर बिल्कुल वैसे, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से कंटिन्यू हो रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी जगह यहाँ बचेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी, तो ऐसे लग रहा है वही वाले मंदिर बिल्कुल यहाँ भी आ गए हैं, सेम टू सेम। कैसे मंदिर थे वो, उनकी बाहरी दीवार जैसी दिखती है ना उन मंदिरों की, इन मंदिरों की भी बाहरी दीवार बिल्कुल रंग महल के मंदिरों जैसी, दो दरवाजे, छह जाली द्वार और एक एक झरोखे की। अब ये मंदिर आए कितने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको याद है, रफली आप देखें तो ये 30 मंदिर की लंबी खड़ोकली और 30 मंदिर की चौड़ी आती है रफली। हालांकि 31-32 होता है, पर ये जल जो है ना, ये 28-28 में जल आता है, ठीक है। और एक मंदिर की ये हो गई मंदिर, और एक मंदिर की हमारे पास रौंस आ जाती है नीचे। तो 30 मंदिर हमें एक तरफ दिखाई देते हैं, ये देखिए यहाँ भी 30 मंदिर की रफली। यदि आप न्यू सुंदर साथ है तो एक आध हम इधर उधर, ये देखिए 30 मंदिर इधर खड़े होंगे तो भी 30 दिखाई देंगे, इधर खड़े होंगे पूर्व की तरफ तो भी, और दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ भी और उत्तर की तरफ भी। अब ये कोने वाला मंदिर दोनों तरफ आ जाता है ना, क्योंकि वो पूर्व में भी गिने जाएंगे और इस तरफ भी गिने जाएंगे, तो टोटल जो है वो आपको 88 मंदिर यहाँ बने हुए, अति सुंदर शोभा लिए हुए दिखाई देते हैं। अब ये देखिए, ये मंदिरों की जो छत है ना, अब इस छत पे कैसे आएंगे, मंदिरों की छत से ही दूसरी भूमि जुड़ी हुई है इन मंदिरों। सबसे पहले तो आप यहाँ से सीढ़ियां चढ़े, उसके बाद इस रौंस पर आ गए, यहाँ पर आपको दरवाजे मिल गए मंदिरों के, आप अंदर चले गए। यदि आप इधर से जा रहे हैं तो इन मंदिरों के अंदर ही आपको सीढ़ियां मिल जाएंगे। उन्होंने बोला है हर मंदिर के अंदर सीढ़ियां मिलती हैं, तो मंदिर के अंदर से सीढ़ियां चढ़ेंगे और ये छत रूफ टॉप पर आप आ जाएंगे, मंदिरों के रूफ टॉप पर आ जाएंगे। तो इस तरफ भी कठेड़ा लगा हुआ, ये देखिए सुंदर कठेड़ा इस तरफ, क्योंकि हम कितनी भूम, एक भूम दो भूम ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी कठेड़ा, और ये कठेड़ा यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। ये छज्जा था ना हमारी धाम का, ये छज्जा ही पूरा, ये कठेड़ा उसी का कठेड़ा यहाँ कंटिन्यू हो रहा है पूरा, अति सुंदर नगन जड़ित बड़ा सुंदर कठेड़ा यहाँ पर। और जल की तरफ भी हमें कठेड़ा मिलता है, सिर्फ कहाँ नहीं मिलता, जहां पर हमें ये जल चबूतरे की तरफ भी, यदि आप बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखिए ना, बड़ा प्यारा ये नक्शा बनाया हुआ है। थोड़ा सा मैं थोड़ा कम करती हूँ, हाँ जी, ये देखिए तीन तीन सीढ़ियां यहाँ भी चांदो द्वारा उतरी हुई जल के अंदर भी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये जल चबूतरा यहाँ बना हुआ, तीन सीढ़ियां इस तरफ, तीन सीढ़ियां उत्तर, तीन सीढ़ियां दक्षिण की तरफ इस जल चबूतरे, केवल यहाँ इस चांदे पर जाने के लिए वहां कठेड़ा की शोभा नहीं दी हुई कि हम वहां अंदर जा पाए। यहाँ पर कठेड़े की जगह छूटी हुई है कि यदि आप यहाँ जाकर कमर भर नीचे, तीन सीढ़ियां मतलब कमर भर नीचे, ये चारों दिशाओं में आपको जल चबूतरे पर जाने के लिए तीन तीन सीढ़ियां मिल रही हैं। और ये जो है ना चांदा, इसके भी देखिए उस तरफ
केवल इधर और इधर आप उतर सकते हैं। यदि हम इस चांदे की बात करें तो पश्चिम और पूर्व की तरफ आप निकल सकते हैं, पर दक्षिण की तरफ वहां भी कितना प्यारा कठेड़ा लगा हुआ, कितनी सुंदर ये शोभा। और ये चांदे भी आपको चारों दिशाओं में, तीनों दिशाओं में सॉरी, क्योंकि ये वाली दिशा में तो रंग महल है ना, तो पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में अति सुंदर चांदों की शोभा। और ये जल के अंदर तो चारों दिशाओं में ये जल चबूतरे में उतरी हुई सीढ़ियां, अन्यत्र हर जगह पर, उस जगह को छोड़कर बाकी जगह पर पूरा कठेड़ा लगा हुआ अति सुंदर। तो ये एक मंदिर की चौड़ी ये रॉन्स और एक मंदिर की ही चौड़ी यहाँ घेर कर हमें ये परिक्रमा जैसी जल के आसपास मंदिरों की रूफटॉप यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो अब ये कि अब हमें भूल भुलवनी से यहाँ पर आना हो, यहाँ से जाना तो बड़ा आसान था, इसके ऊपर चढ़े, ये रॉन्स के ऊपर आ गए, मंदिरों के दरवाजे हमें पता ही है कि दो द्वार हमें मिल ही जाते हैं, तो द्वारों के अंदर चले गए, अंदर हमें सीढ़ी मिल गई और हम ऊपर आ गए, बड़ा इजी था, इसमें छलांग लगाई और हमने आनंद भी ले लिया। पर भूल भुलवनी के मंदिर से, जहां की लीला का स्पेशल वर्णन हुआ है कि वहां से आते हैं, वहां से कैसे आएंगे, एक बड़ी अति सुंदर शोभा कि आफ्टर ऑल ये तो 33 मंदिर का छज्जा था ना, तो ये इससे मिल कैसे गया, क्योंकि यहाँ पर जगह तो कुछ ज्यादा बची हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बची हुई है, तो यहाँ हम कैसे आ गए। और ये जो है ना सुंदर साहब जी, ये तो मंदिर है पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ, तो मंदिर है 30-30 मंदिर किए तो 88 मंदिर, पर ये जो है ना इधर दक्षिण की तरफ मंदिर नहीं बनाए हुए, दक्षिण की तरफ मंदिर नहीं बनाए, इसको बोलते हैं मंदिरों जितनी मोटी दीवार बनाई हुई है यहाँ पे, मंदिरों मंदिरी दीवार जिसको बोल सकते हैं, मंदिर जितनी मोटी दीवार। और इन मंदिरों की ना एक स्पेशल बात है, यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं उनमें भी एक स्पेशलिटी है। देखिए ये रंग महल की जो बाहरी दीवार है उसमें बाहर तो हमें दो दरवाजे, छह जाली द्वार, एक झरोखा दिखाई देता है, पर आपको यदि याद हो ना तो भीतरी दीवार में भी एक दरवाजा आता है ना। तो इन मंदिरों में ये स्पेशलिटी है कि इनकी बाहरी शोभा तो सेम टू सेम है, दो दरवाजे, छह जाली द्वार, एक झरोखा, पाखे की भी दीवार आई है जिससे हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर की तरफ जा सकते हैं, पर इनके भीतरी तरफ यानी जो इधर है, ये देखिए भीतरी तरफ कहाँ निकलेंगे हम, जल में थोड़ी निकलेंगे, भीतरी तरफ, तो भीतर उनके कोई दरवाजा नहीं आया, केवल ऐसी आपको दीवार दिखाई देती है, इन मंदिरों के भीतरी दीवार में कोई दरवाजा नहीं आया हुआ। तो वहां तो हमें कितने मंदिर के दरवाजे होते थे, दो बाहर, एक अंदर और एक एक पाखे में, तो पांच टोटल दरवाजे थे उन मंदिरों में, पर इसमें केवल चार ही दरवाजे होंगे, दो बाहर की तरफ और एक एक पाखे की दीवार में, भीतरी दरवाजा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि भीतर जल भरा हुआ है पूरा, और वो जल 3 भौं गहरा है, ये जरूर आप याद रखिएगा। और उसके बाद हम चलते हैं कि हम भुलवनी से यहाँ पर कैसे आएंगे। ये जो शोभा है ना सुंदर साहब जी, यहाँ पर बहुत ही समझने वाली एक शोभा है यहाँ पर। अब बाकी पार्ट्स मुझे लगता है पश्चिम, पूर्व और उत्तर का हमें समझ में आ गया है, ये जो दक्षिण का पार्ट है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझने के लिए हमें थोड़े से मिनट्स लग सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, इस दक्षिण के पार्ट को भी हम समझेंगे, और सबसे पहले हम सुंदर साथ जी द्वारा की हुई मेहनत, उनके द्वारा की हुई ये मेहनत जो सफल हम सब सुंदर साथ उनको पढ़कर कर रहे हैं, अति सुंदर सेवा, तो मैं इनके वो भी जरूर पढ़ना चाहूंगी। ये देखिए भूम भर, इससे ना आपको वो भी होता जाएगा, रिवीजन भी होता जाएगा साथ साथ, भूम भर सीढ़ियां और चांदे, ये जो हमने अभी चांदे देखे थे जिससे हम खड़ोकलीप के ऊपर जा सकते हैं, तो ये देखिए पश्चिम, पूर्व और उत्तर की तरफ चांदे की शोभा, क्योंकि दक्षिण की तरफ तो हमारे पास रंग महल के मंदिर ही आ गए हुए हैं। और उसके बाद ये देखिए जल चबूतरा, ये जो है जल में 3-3 सीढ़ियां उतरी हुई थी ना जल में, उनको बोलते हैं ये घूमकर ये जल चबूतरा कमर भर नीचे आया हुआ है, तो आप किसी भी दिशा से 3-3 सीढ़ियां जल में उतरिए और कमर भर वहीं पे खड़े होके कमर भर जल का आनंद भी ले सकते हैं, और उसके बाद
जल में छलांग लगा सकते हैं। और उसके बाद हाँ जी ताड़वन के दूस ताड़वन हमें बहुत विस्तार से समझेंगे तो उसकी आप चिंता ना कीजिए अभी। ताड़वन के दूसरे बगीचे में इनको रफली माना जाता है। तो तीन सीढ़ियां और चांदे ये जल चबूतरे पर उतरने के लिए, और ये देखिए ये ताड़वन का तीसरा बगीचा यहाँ से शुरू हो जाता है। तो रफली ये दूसरे में ही पूरी आती है, थोड़ा सा बचता है पार्ट वो तीसरे में। 88 मंदिर भोम भर के ऊंचे जो हमने अभी किए, ये देखिए ये मंदिरों की हार, भोम भर ऊंचे ये मंदिर हैं और ये 88 मंदिर हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए 28 और 28 तीनों तरफ, 28 तीनों तरफ, और ये कोने वाले बाद में ऐड कर लीजिए, ये वाला कोने वाला और ये कोने वाला, तो वो बन जाते हैं 88, या फिर 30 और ऐसे आप कर सकते हैं, कोने वाला दोनों तरफ आता है। और इन मंदिरों में वही दो दरवाजे और बाहरी दीवार में दो दरवाजे, 6 जाली द्वार, 1 झरोखा, पर अंदर उनके जल है तो अंदर उनके कोई द्वार नहीं आया, पर पाखे के यानी कि संधि की दीवार में दरवाजा एक से दूसरे मंदिर में जाने के लिए आपको जरूर जरूर मिलेगा। और ये देखिए ये जो रौंस बनी थी एक मंदिर की चौड़ी, और उसके बाद ही फिर मंदिर शुरू हुए थे, उस रौंस पे हम चांदों के द्वारा चढ़े थे और उसके बाद हम मंदिरों के अंदर गए थे। और ये दीवार बहुत ही समझने वाली बात है सुंदर सार जी, ये जो रेड कलर की दिखाई हुई है ना ये दीवार, कि आखिर हमें रंग भवन से, रंग महल की दूसरी भूल भुलवनी से हमें यहाँ आना कैसे है, तो उसमें ये दीवार तो वो है जहां मंदिर नहीं आए हैं, मंदिरी दीवार। तो ये तीन तरफ तो हमारे मंदिर आ गए, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी पूर्व में, उत्तर में और पश्चिम में तो मंदिर आ गए, पर दक्षिण की तरफ मंदिर आने की बजाय ये रेड कलर की ये मोटी दीवार बनाई हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए छज्जा यानी पुल, ये छज्जा बहुत ही समझने की बात है। ये हम अभी मैं एक बहुत ही प्यारी पिक्चर आपको दिखाऊंगी, होपफुली आपको उसी से समझ आ जाएगा। और ये रंग महल के अंदर हम कैसे आए थे याद है आपको, त्रिपोलिया पार किया था हमने भुलवनी के बाद, फिर एक 6000 मंदिरों की हार, फिर उसके बाद फिर एक त्रिपोलिया, फिर मंदिरों की हार, और फिर हम वो छज्जे पर आ गए थे। वो छज्जा यहाँ खड़ोकली के पास बहुत ही प्यारी, बहुत ही विशेष शोभा लिए हुए, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। ये 6000 मंदिरों की दूसरी हार, और ये देखिए खड़ोकली का जल देखिए यहाँ इतना प्यारा दिखता है। तो केवल ये एक ड्रॉइंग है, तो मेरे परम धाम में वो कितना सुंदर, कितना चमकता, मिश्री से मीठा शीतलता लिए हुए दिखाई देता हुआ, इसका तो हम केवल अनुभव कर पाएंगे यदि चितवन में बैठकर उस जल के दर्शन करना चाहेंगे। और ये खड़ोकली के गुर्ज, खड़ोकली के स्पेशल दो गुर्ज दिए गए, क्योंकि खड़ोकली के पास हमें ऐसा एक पुल बनाने की जरूरत पड़ी जिस पर वो ऊपर की रूफ खड़ी रहेगी, तो उसके लिए ये स्पेशल दो गुर्जों की शोभा खड़ोकली के पास कैसे दी गई वो आपको बताएंगे। आई होप कि इतनी शोभा सुंदर साथ को समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक मॉडल दिखाना चाहूंगी अति सुंदर, आप मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं खोलती हूँ उसको। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो कल ये मैंने आशीष जी से रिक्वेस्ट की कि ये बहुत ही एक ट्रिकी शोभा है थोड़ी सी, जो समझने में सुंदर साथ को थोड़ी सी वो हो रही है, तो यदि कोशिश करें तो इस शोभा को आप ड्रॉ करने की कोशिश करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सीमा दीदी आप भी प्रियंका जी, श्रुति जी को ये समझा कर यदि और भी प्यारी ड्रॉइंग बना सके तो सुंदर साथ को और अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल हम सब सुंदर साथ इससे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इनको कल हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए ये है हमारी खड़ोकली,
तो ये एक भौम तो हम ऊपर रौंस पर चले गए, यहाँ सिर्फ एक शोभा यहाँ समझाने की स्पेशल कोशिश की गई है, यहाँ चांदे वगैरह वो नहीं बनाए गए हैं, तो यहाँ हम चांदों से चढ़े इन मंदिरों में गए, अब हम अंदर से आ रहे हैं। ये है हमारी 6000 मंदिरों की यहाँ पर हमारी पहली हार रंग महल की। जब हम वहां से बाहर आएंगे, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साहब जी, बहुत अटेंशन देने वाली ये शोभा है। आपको याद होगा कि नीचे वाली भौम पर तो 100 हाथ की लंबी, यानी एक मंदिर की 100 हाथ की चौड़ी, सॉरी एक मंदिर की चौड़ी हमारी परिक्रमा रौंस या धाम रौंस चलती है, पर जब हम दूसरी भौम पे आ जाते हैं तो वो केवल 33 हाथ, ये देखिए 33 हाथ यहाँ दिखाए हुए हैं, ये केवल 33 हाथ की चौड़ी रह जाती है ना। पर यहाँ यदि 33 हाथ की चौड़ी होगी और खड़ोकली हमारी 100 हाथ दूर है, क्योंकि वो तो चबूतरे से लगी हुई है, तो हम कैसे जाएंगे खड़ोकली के ऊपर? यदि यहाँ भी वो 33 हाथ की ही रहे तो हमारे पास काफी गैप बच जाता है, 100 हाथ हमें कवर करने हैं, क्योंकि नीचे जो धाम रौंस है ना वो 100 हाथ की है, तो ऊपर 100 हाथ हम कैसे कवर करेंगे? तो सुंदर साहब जी, बहुत सुंदर वृत्त में वर्णन किया गया है इसका, कि स्पेशल खड़ोकली की जगह पर, स्पेशल खड़ोकली के सामने यहां पर ये 100 हाथ हमें दे दिए गए हैं। वो कैसे 100 हाथ बने? 33 हाथ का तो पूरा छज्जा, 33 हाथ का छज्जा इधर से मुड़ गया पूरे खड़ोकली के मंदिरों की तरफ घूमता हुआ। खड़ोकली के मंदिरों की रूफटॉप आपने देखी थी ना, एक मंदिर की थी, तो ये 33 हाथ में उसमें ऐड हो गई। ये 33 हाथ का घूमता हुआ छज्जा, यानी उसको 133 हाथ बनाता हुआ ये ऐसे चला गया, जैसे कि नीचे की रौंस गई थी 100 हाथ मुड़ती हुई ऐसे चली गई थी, है ना, आपको याद है ना। तो ये 100 हाथ जो है ना ये सामने भी जा रही है, हम खड़ोकली और रंग महल के मंदिरों के बिल्कुल बीच में से भी अंदर जा सकते हैं। एक टनल टनल सी बनती हुई आपको अंदर दिखाई देगी, तो अंदर आप उसके जा सकते हैं। अब ये रूफ पर अब हमारे पास सिर्फ 33 हाथ हैं यहाँ पर, तो राजी ने यहाँ पर क्या शोभा दी, यहाँ पर जो छज्जा है ना वो 50 का कर दिया पूरा, 50 इधर से बढ़े, खड़ोकली ने भी 50 बढ़ाए। तो आप 50-50 छज्जे बढ़ाने की बजाय ये सोचिए कि यहाँ पूरी 100 हाथ की जगह हमें इस 100 हाथ के ऊपर ये 100 हाथ का पूरा पुल हमें मिल गया। हम मंदिर से आए, एक सीढ़ी नीचे उतरे छज्जे के ऊपर और ये पूरी हमने जगह पार की और ये हमें 100 हाथ की दीवार मिली और हमने खड़ोकली में छलांग लगा दी। ये बहुत इजी है समझने में और मैं आपको इसको इस मॉडल से भी समझाना चाहूंगी। ये देखिए, हाँ जी, और इसके बाद हम इस शोभा को कल फिर से भी समझेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। स्पेशली ये वाली शोभा अंदर जाने में थोड़ा सा समय लगता है। ये देखें, यदि आप इन खड़ोकली को यहां पर देखें, अब यहां से हमें आना है ना, इधर से हमें आना है, तो ये एक्चुअली 33 हाथ का है। इस मॉडल में हमें ये भी पूरे 100 हाथ का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 33 हाथ का चल रहा था, तो इसको आप 100 ना समझिएगा, यहाँ पे 33 का चल रहा था और यहाँ पे उन्होंने पूरे 100 हाथ का दे दिया। आगे ये मोटी दीवार मिल गई हमें, दोनों मिले हुए हैं, बस मंदिर से आएंगे तो एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये 100 हाथ का और ये 100 हाथ की दीवार, मतलब दो मंदिर हम आते हैं पार करते हैं, एक मंदिर ये 100 हाथ का एक मंदिर होता है ना, क्योंकि एक मंदिर ये वाली जगह और एक मंदिर ये वाली जगह, और हम खड़ोकली में या ये दोनों क्रॉस करते हैं और छलांग लगा देते हैं। तो जब हम ये देखिए, अब यहां से एक बार हम देखते हैं, तो यहां पर हमारे थे भुलवनी के मंदिर, एक त्रिपोलिया पार किया, एक मंदिरों की हार, फिर त्रिपोलिया मंदिरों की हार, और उसके बाद ये छज्जे पर आप उतर गए हैं, छज्जे पर, और ये छज्जा दूसरी भूम में केवल 33 हाथ का था, पर धामधनी ने केवल खड़ोकली में जाने के लिए वो छज्जा हमें पूरा 100 हाथ का दे दिया, एक मंदिर धाम रौंस के बिल्कुल ऊपर।
तो 100 हाथ की जगह उसके बाद हमें खड़ोकली की मोटी दीवार मिल गई और हमने खड़ोकली में चांदे से छलांग लगा दी। आई होप कि सुंदर सात को थोड़ा बहुत जरूर, ये थोड़ी नई शोभा है तो इसको समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है। आप फिर से वीडियो देखिएगा, कल हम फिर इसको रिवाइज करेंगे और इसके साथ ही समय भी समाप्त हो रहा है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। हाँ जी, तो खड़ोकली के बारे में राज जी ने अपनी श्री मुखवाणी में, श्री परिक्रमा ग्रंथ में क्या कहा है, इत खड़ोकली जल ही लोले धनी साथ झीले झकोले, इत सिंगार करके खेले ठोर जुदे जुदे जुथ मिले। यहाँ पर दूसरी भूमिका में खड़ोकली है जिसका जल हिलोरे मारता है। इसमें सुंदर साथ और राज श्यामा जी एक दूसरे के ऊपर जल उछालकर स्नान करते हैं, यहीं पर यानी बाहरी हार मंदिरों में श्रृंगार करते हैं और अलग अलग जुथों में होकर भुलवनी के मंदिर में तरह तरह के खेल करते हैं। परम धाम में स्नान करने और खेलने के संबंध में समय का कोई बंधन नहीं है। कभी तो धाम धनी भुलवनी में खेलकर स्नान करते हैं तो कभी स्नान करके भुलवनी में खेलते हैं। इस चौपाई में भुलवनी के खेलने का बताया भी गया है। परम धाम की जिस जिस वस्तु की शोभा का महामती जी ने वर्णन किया है उसको देखकर महामती जी कहते हैं, बारंबार देखकर भी मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो पा रही है, उसको देखने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। परम धाम के मंदिरों, महलों या किसी भी वस्तु को चाहे अंदर से देखा जाए या बाहर से, सबकी शोभा एक समान नव नवीन वो बनी रहती है और यहाँ की वस्तुओं की सुंदरता को बार बार देखकर हम बोर हो जाते हैं कई बार कि हाँ इतना सुंदर, हाँ जी देखा हुआ है, पहले देखा हुआ है, पर वहां की सुंदरता को देखकर कभी मन नहीं भरता। हर बार चितवन में आप उनकी शोभा को देखने का प्रयत्न करें, वो नई नव नवीन दिखाई देती है। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि कोई भी भूलवश मुख से कुछ ना कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे आपको कोई दुख हुआ हो, आपके हृदय को कहीं चोट या कहीं दुखा दिया हो, तो मेरे जीव की वो भूल समझकर आप सब सुंदर साथ मुझे क्षमा कीजिएगा और आप सब सुंदर साथ का आशीर्वाद और उनके प्रेम का महत्व उतना ही है जितना कि धाम धनी के प्रेम का महत्व। धाम धनी आप सबके मुखारबिंद से और आपके आशीर्वाद और प्रेम के थ्रू ही बहुत सारा प्यार पहुंचा रहे हैं। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सीमा दीदी, आप प्रश्न ले लीजिए या फिर जो भी प्रियंका जी और सीमा दीदी। प्रणाम जी, मीनू दीदी। मीनू आ गई। हाँ जी, वो किरण बालाजी के नाम पे उनमें है। अच्छा अच्छा, किरण आंटी प्रणाम जी। एक मिनट होस्ट दो ना उनको, मैं तब तक अनम्यूट करती हूँ, आप होस्ट दीजिए। हाँ जी, अनम्यूट मैंने कर दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पन्ना जी से प्यारी प्यारी सखियों के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी, हमने तो आपके साथ खड़ोकली में झीलना कर लिया, भूलवनी में खेल भी लिया, पूरा देखा हमने। प्रणाम जी, आप सब सुंदर साथ बैठे होते हैं ना, मीनू दीदी, किरण आंटी, किरण दीदी, आप सब सुंदर साथ बैठे होते हैं तो बहुत हौसला मिलता है कि हाँ नहीं, हम शुरू से हैं, पूरा देखा। हाँ जी मीनू दीदी लीजिए, आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी प्रियंका आप ले लो, सीमा दीदी आ जाओ, आप टाइम लो अपना क्वेश्चन जो भी लेना है, जैसा रिविजन नहीं लग रही है तो क्वेश्चन आंसर लो अपने सुंदर साथ से, जो आज की शोभा हो गई है तो जो भी खड़ोकली का नया कुछ बनता है क्वेश्चन तो वो लो, तो रिवीजन अपने आप हो जाएगा। प्रियंका आज प्रणाम जी। सीमा मासी नहीं है क्या? एक मिनट, नहीं है। प्रियंका ले लो, आप ले लो, आप लीजिए मासी, आप लीजिए।
आप रिवीजन करा रहे थे ना? नहीं रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन लो रिवीजन अपने आप हो जाएगा। सुंदर साहब भी इन्वॉल्व हो जाता है ना सीमा दीदी, हर सुंदर साहब बोलेगा तो इन्वॉल्व लगते हैं, सुंदर साहब की नींद उड़ती है, हर टेंशन हो जाती है। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, खड़ोकली में कितने मंदिर आए हैं? खड़ोकली में कितने मंदिरों की शोभा आई है और वो कौन कौन सी दिशा में वो मंदिर आए हैं? हाँ जी सुंदर साहब जी, सोनिया दीदी आप अनम्यूट कीजिएगा, सरोज आंटी जी दिख नहीं रहे हैं। नहीं मैं हूँ। अच्छा सरोज दीदी को बोलो, सरोज दीदी की सेवा, सरोज दीदी। अरे मैं हूँ तो नहीं हो रहा है मेरे से ना, हो नहीं रहा है अनम्यूट देते, रुको। हाँ जी एक मिनट। हाँ, सुदर्शन आंटी आप करो। प्रणाम जी, खड़ोकली में 88 मंदिर आए हैं, पूर्व उत्तर और पश्चिम, दक्षिण की तरफ नहीं आए, दक्षिण की तरफ मोटी दीवार आई है। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साहब जी, खड़ोकली में जो मंदिर आए हैं उनका झरोखा कितना ऊंचा आया है? खड़ोकली में जो मंदिर आया, कोई और सुंदर साथ बता देंगे? वो खड़ोकली वाली साइड में मंदिरों में झरोखे नहीं आए ना? नहीं आए हैं, झरोखे आए हैं। आए हैं? हाँ जी आए हैं। सुषमा दीदी आप बोलो। मैंने आपको अनम्यूट किया है सुषमा दीदी। ओह माय गॉड, चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी करो। गैलेक्सी ए, हाँ जी प्रणाम जी, आई आवाज? प्रणाम जी, 22 ऊंचे होंगे। कोई और सुंदर साहब जी? हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुरक्षा आंटी भी कर रही हैं मीनू दीदी बाद में। ओके आप कर दो, सुनो आ गई दीदी मैं। आजो आजो आप बोलो। 88 मंदिर आए हैं दीदी, तीन तरफ, पूर्व पश्चिम और उत्तर तरफ। हाँ जी दीदी, वो क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, था अच्छा। हाँ जी, अब दूसरा था कि झरोखे कितने ऊंचे आए हैं मंदिरों में, खड़ोकली के मंदिरों में झरोखे कितने हाथ ऊंचे आए हैं? वो तीन हाथ ऊंचे, तीन सीढ़ी ऊंचे, हाँ जी। प्रणाम जी, मैं चली गई थी, सॉरी। हाँ जी, ये सुरक्षा जी को भी कर देते हैं, वो भी बोल लेंगे, वो खुश हो जाती है। हाँ जी, उनको अनम्यूट किया है, कर दो। तीन हाथ ऊंचे आए आज तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी आंटी, बिल्कुल ठीक। दीदी और क्वेश्चन लेने हैं, टाइम है? अभी टाइम लेने, सफाई भी लेनी होगी, इतना टाइम हुआ है, अभी टाइम है, एक क्वेश्चन ले लो आप। अच्छा, अब बुलवनी, बुलवनी के लेते हैं ना, बुलवनी, बुलवनी के मंदिर में जो मध्य का चबूतरा आया है वो कितना ऊंचा है और कितना लंबा चौड़ा आया है? बुलवनी के मंदिर में जो मध्य का चबूतरा आया है, सुंदर साहब जी, नए सुंदर साहब भी हैंड रेस कीजिए प्लीज। शांति देवी जी को ले लो,
हाँ जी अनम्यूट कीजिए शांति देवी जी। हो गया चबूतरा तो प्रणाम दीदी। प्रणाम चबूतरा तो सौ हाथ का है दीदी, लेकिन बीच में चबूतरा तो कोसा हाथ का है, रोज चारों तरफ 36 मंदिर के आगे। कितना बताया आपने ऐसे चबूतरा? सौ हाथ का है दीदी, लेकिन तो बीच में चबूतरा है जो 64 हाथ का है और 36 हाथ का चारों तरफ से परिक्रमा रोज है। वो चबूतरा वो चौक है जो सौ मंदिर का है, हाथ का नहीं, सौ मंदिर का लंबा। सौ मंदिर का? अच्छा जी, सौ मंदिर का लंबा चौड़ा। और जो वो चबूतरा आया है उसमें वो चबूतरा आया 8 मंदिर लंबा चौड़ा, 64 मंदिर का टोटल 64 मंदिर हो गए ना, 8 मंदिर लंबा चौड़ा। और ये कितना ऊंचा आया है? कम्बल भर ऊंचा है दीदी, नहीं एक एक सीढ़ी है ऊंचा। हाँ जी एक से भी ऊंचा है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी दीदी, दीदी हो गए आप लीजिए। सीमा दीदी एक में हमारे दिल में भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि शायद हम भूल रहे हैं, तो आप बताना कि जो अपने खड़ोकली हम जैसे मंदिर की हार को पार करके जो सबसे पहली मंदिरों की हार है उसमें जरोका आया है ना दीदी? अभी हम बात कर रहे थे जो उसमें जरोका आया है वही वैसी तीन हाथ का ही आएगा? नहीं नहीं, जो बारियार मंदिर में है वहाँ 22 हाथ का ही आएगा। नहीं नहीं ऊपर चलो, जैसे हम गुलवनी से आए पहली हार मंदिरों को पार किया, दो थंबों की हार तीन गलियों को पार किया, फिर दूसरे मंदिर जो सबसे इधर पहली इधर से रौंस वाली पहले मंदिरों की हार हो जाती है उनमें झरोखे आए हैं क्या? हाँ जी झरोखे आए, उसमें तो तीन हाथ ही है ना, मतलब आए हैं ना, मतलब ठीक है। हाँ वो हम लोग अभी बैठ दीदी एक क्वेश्चन ना मुझे पूछना था, महाराज जी ने ना बड़ा सुंदर लिखा हुआ है ये मंदिर 88 हैं, झरोखे कितने हैं? झरोखे 90 हैं। 90 वो एक एक सुंदर दो बढ़ जाते, दो बढ़ जाते हैं कोने वाले मंदिर में ना, दो झरोखे आएंगे उसमें वो बढ़ जाएंगे। हाँ जी वो बढ़ जाते हैं, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है महाराज जी ने कि जो कोने वाले मंदिर है ना वो दोनों तरफ झरोखे उनके आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको अभी किरण दीदी के साथ यही बात चल रही थी कि कोने वाले मंदिर के दो झरोखे हो जाते हैं। हाँ जी मैं आपको ना एक मिनट ये दिखाती हूँ सुंदर साहब जी, ये कैसे दो झरोखे आए हैं, बड़ी सुंदर उसकी शोभा है। हाँ जी एक मिनट ये देखिए, ये जो मंदिर है ना सुंदर साहब जी, ये वाला मंदिर, इसमें इस साइड में भी झरोखा है और इस साइड में भी, कोने वाले मंदिरों में स्पेशली। हाँ जी तो 90 आ जाएंगे, एक इधर वाले मंदिर में और इस कोने वाले मंदिर में भी, तो इधर भी दो झरोखे और इधर भी, तो एक एक बढ़ के वो 90 हो जाता है। ये टूडी वाले मैप से दिखाइएगा उसमें क्लियर होगा, टूटी वाली में क्लियर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बड़ा सुंदर लगा मुझे पढ़ के, मैंने कहा वाह कहाँ कहाँ राजी ने कहाँ कहाँ बढ़ोतरी कर दी हुई है झरोखों में भी, अति सुंदर। तो ऐसे ही एन अमेजिंग फैक्ट, हालांकि ये सुंदर साथ को पता ही था, पर यदि सुंदर साथ को कोई नई छोटी सी प्यारी सी शोभा ऐसी पता लगे ना तो वो जरूर बताएं, हम सब सुंदर साथ के साथ शेयर करेंगे, तो वो छोटी सी प्यारी सी खुशी बढ़ के सब सुंदर साथ में दुगनी तिगुनी बहुगुनी हो जाएगी। प्रणाम। हाँ जी हाँ जी चुपाई प्रियंका आप खोलो, मैंने आपको शेयर करी हुई है ना चुपाइया? नहीं नहीं आई थी आंटी जी, एक सेकेंड बस एक सेकेंड दे रही हूँ मैं तुको। मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ जी ओके मैं सोनू को दे देती हूँ, सोनू को कोई बात नहीं। हाँ जी जब तक कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन और ले लो ना, एक मिनट क्वेश्चन यदि और बना हुआ है तो क्वेश्चन और ले लो। नहीं क्वेश्चन नहीं, आशु जी ने आज ही नोट्स डाले हैं सुंदर साथ जी, भुलवनी और खड़ोकली के दूसरी भूम के, तो उनके गो थ्रू जरूर करिएगा, उनको जरूर देखिएगा, बहुत जल्दी रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। प्रणाम। हाँ जी दीदी आप मुझे भेज रहे हो? हाँ मैं भेजती हूँ, एक मिनट आप क्वेश्चन ले लो एक तब तक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सीमा दीदी वो तो आप लीजिए एक्सपर्ट। हाँ जी हाँ सीमा दीदी वो दूसरी होम का ही ले लूं कोई और?
हाँ हाँ कुछ भी लो आप, ऊपर नीचे कहीं से लो, खाली जरूरी नहीं, आप नीचे वाला भी ले सकते हो। दूसरी ऊपर नीचे का याद होना चाहिए, कहीं से भी ले लो आप दीदी। मीनू दीदी आप चौपाई बता दीजिए, शायद है हमारे पास बनी हुई। नहीं मैं अभी आपको भेज रही हूँ पीडीएफ, चिंता नहीं करो, आप पहले क्वेश्चन ले लें। दूसरी भूम में जो पूर्व तरफ 10 मंदिर का हांस आया है उसमें कितने झरोखे आए हैं? जो 10 मंदिर का हांस स्पेशल जो दूसरी भूम में आया हुआ है उसमें कितने झरोखे आए हैं? देखना दीदी हाँ जी पन्ना बेन जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तीन जरोखे आए हैं, दो बड़े जरोखे है और एक छोटे जरोखे है बीच में। हाँ हाँ जी हाँ जी, इसमें तीन जरोखे आए हैं, दो झरोखे तो जो साइड में है, चार मंदिर लंबे और दो मंदिर चौड़े, उसको भी झरोखा कहा गया, दो झरोखे वो, और तीसरा जो धाम दरवाजे के ऊपर आया है वो तीसरा झरोखा। तीन झरोखे आए हैं, बाकी इधर कोई झरोखे नहीं आए, जो बड़े झरोखे के पीछे जो खाली वहां दीवार आई है झरोखे नहीं आए। तो इस 10 मंदिर के इस हांस में 3 झरोखों की शोभा आई है, बिल्कुल ठीक बताया आपने, बहुत सुंदर। खिलवत का मैंने भेजा आपका डाउनलोड हो गया है, तो तीसरी नंबर की चुपई है कौन जंगल, किरण दीदी को ले लो, किरण पर नामी जी आई हुई है ना। खुल जाएगा चुपई, आपकी डाउनलोड हो गई है? हाँ जी बस एक मिनट लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, वो तीसरी वाली लेना, कौन जंगल में गुम, कौन जंगल गुमराह में होते। पन्ना बेन आपसे ये वेल एक्सपेक्टेड था, आपके घर में तो वो तीनों झरोखों की शोभा बनी हुई है ना, रंग महल। हाँ जी सुंदर साहब जी, बस नहीं हो रहा तो चुपाई बोल दूं मैं। हाँ जी एक मिनट दीदी बस हो गए। हाँ यही वाली, हाँ ठीक है, किरण दीदी को ले लो। हाँ सुनो चुपाई आ गई है, किरण दीदी को लो। हाँ जी किरण, प्रणामी जी, प्रणाम जी, किरण दीदी आप आइए। मीनू दीदी नहीं है वो। ओके हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी सुंदर साहब जी, श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री किलवर प्रकरण नंबर 14 चौपाई नंबर 93, कौन जंगल गुमराह में होते, कैसा पाया अरस बाग, नींद उड़ाओ विचार के क्यों ना देखो उठ जाग। पहले आप जंगलों में भटका करते थे, कौन से जंगल, कि हमें जब तक वाणी की शुद्ध नहीं थी, पहचान नहीं थी, परम धाम के 25 पक्ष चर्चनी कुछ भी कह लो, जो भी हमें पहले नहीं पता था,
तो पहले आप जंगलों में, जंगल क्या, ये माया में हम भटका करते थे, दुनिया की सभी इच्छाओं में, दुनिया की इच्छा पूरी करने में हम लगे रहते थे। लेकिन अब क्या है, कैसा पाया अरस बाग, अब परम धाम के नूरी बागों में भ्रमण करते हैं। यानी कि अब हम कहीं भी जाते हैं, सब सुंदर साथ के साथ ये फीलिंग में होता होगा कि जहां भी जाते हैं कहीं भी कुछ देखते हैं कि ऐसा हमारा परम धाम के बाग होते हैं, कहीं भी देख लेते हैं मेहराबे बनी देखते हैं तो वहीं की याद आ जाती है, कोई झरोखे देखते हैं तो वहीं की शोभा मन में रहती है। नींद उड़ाओ विचार के, हे सुंदर साथ जी, अपनी माया की नींद छोड़कर उठते क्यों नहीं। श्री इंद्रावती जी कह रहे हैं कि अब क्यों नहीं उठते हो कि मैंने सब कुछ परम धाम की हकीकत और मार्फत चप्पा चप्पा जो परम धाम की गलियां एक एक हमें बता दी है, तो उस जंगल में भटकना छोड़कर हम इन गलियों में भटके, भटके से मतलब उन गलियों में पिया के साथ आनंद करें, हरदम अपनी सुरता हम उन परम धाम की गलियों में घूमे, उन थंबों में, उन दीवारों में बने चित्रा मन पर जो चेतन है, कभी इच्छा करते ही बाहर आते हैं तो हम सवारी के लिए हाजिर होते हैं हमारे लिए, तो हम उन सुखों में डूबे। अब जागृत होकर विचार कीजिए कि हम इस चीज को विचारें कि अब हमने कैसा ये अरस बाग पाया है, अरस की खुशबू में डूबे। प्रणाम जी, ये किरण दीदी भी थोड़ा सा बोलेंगी इस चीज को। नहीं नहीं बस कोई बात। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी छुपाई, कैसे कौन जंगल गुमराह में होते, कैसा पाया बाग, एक इसी खिलवत की छुपाई है, कैसी झूठी निस्बत में हम करते थे गुजरान, है ना, कैसी झूठी निस्बत, कैसे रिश्ते बना करके बैठे हुए थे, कैसे दुनिया के जंगलों में हम घूम रहे थे, माया में भटक रहे थे, पर अब हमें अपने घर की पहचान हो गई है, अपने हम घर के बागों को देख रहे हैं, कभी फूल बाग में सुरता लगाते हैं तो कभी नूर बाग में लगाते हैं, कभी कुंजवन में चले जाते हैं तो कभी कुंजवन में चले जाते हैं। आज जैसे हमें कहाँ घुमाया, भुलवनी में तो है ही, भुलवनी से खड़ोकली में हमें लेकर के गई हमारी प्यारी सोनू हमें आज, और बीच में आप शोभा देखेंगे, ताड़वन में घूमेंगे। आप कह रहे हैं नींद उड़ाओ विचार के, सोचो हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ परम धाम में हमारे कितने सुंदर बाग हैं, और कैसी माया को पकड़ करके हम बैठे हुए हैं, और इसको छोड़ दो, नींद उड़ाओ विचार के, क्यों ना देखो उठ जाग, अपनी इन सुखों को देख करके अपनी आत्म को जागृत क्यों नहीं कर लेते। सुंदर साथ जी, धनी के अंदर दर्द देखिए हमारे लिए, हमें कह रहे माया को छोड़ो और अपनी आत्म को जागृत कर लीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुनो, प्रणाम जी, जयकारा लगाइए दीदी, लगाएं। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पंजे वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।